वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 28 जो कि है 7th of September की। आज की जो हमारी मैथ्स का जो टॉपिक है उसके अंदर हम देखने वाले हैं कॉन्ग्रेंसी। सो कॉन्ग्रेंसी होता क्या है? कॉन्ग्रेंसी पहले तो हम समझ लेते हैं, बेसिकली अगर आप कोई दो चीज़ों को एक के ऊपर एक रखें तो वो अगर पूरी तरीके से ओवरलैप कर जाए तो उसे कहते हैं कॉन्ग्रेंसी। तो अगर आप कोई 10 रुपये का नोट लें और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो एक दूसरे को क्या कर देगा? ओवरलैप कर देगा। तो उसी तरीके से अगर हम देखें 10 रुपये के नोट को 100 रुपये के नोट के ऊपर अगर हम रखते हैं तो वो ओवरलैप नहीं कर पाएगा, उसका साइज में जो है वो डिफरेंट होगा। तो उन दो चीज़ों को क्या कहते हैं? कॉन्ग्रेंसी नहीं होती। तो इसी तरीके से कॉन्ग्रेंसी का मतलब आज हम समझने वाले हैं और उसका हम यूज़ किस तरीके से करते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर, मैथ्स के अंदर। यहाँ पे ब्रेन टीजर क्वेश्चन दे रखा है, चिल्ड्रन नाउ यू हैव टू फाइंड 4 एग्जांपल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ। तो पहला एग्जांपल आप दे सकते हैं, यहाँ पे 10 रुपीज का नोट बोला तो आप 20 रुपीज के 2 नोट्स हो गए, या फिर 2 कार्स ऑफ सेम मॉडल। ठीक है, हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था जैसे कि 2 बटरफ्लाइज ऑफ सेम सेम साइज। उसी तरीके से आप देखें ब्रिटानिया के 2 बिस्किट्स ले लीजिए, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, या फिर आप ले लीजिए स्टैम्प, 2 स्टैम्प अगर सेम होगी तो फिर वो भी ओवरलैप करेगी। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप खुद भी अपने आप से लिख सकते हैं। आइए चलते हैं आगे, कॉन्ग्रेंसी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो इस क्वेश्चन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है कि कॉन्ग्रेंसी कैसे प्रूव होती है एक ट्राइंगल के अंदर। तो सबसे पहले हमें देखना होता है, यहाँ पे देखिए ये एक्स जो है वो 50 डिग्री है, ठीक है, और इस एंगल में, इस ट्राइंगल में क्या है, 50 डिग्री एल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स इज कॉरस्पॉन्डिंग टू, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब हो गया वो उससे इक्वल है एल, ठीक है, और वाई क्या है 110, और यहाँ पे एम 110 है। तो इसका मतलब हो गया वाई इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एम, और इसी तरीके से जेड 20 और एन भी 20 है, तो z is corresponding to n। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ देखो ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रेंट टू, जो निशान होता है वो कॉन्ग्रेंसी का होता है, इक्वल्स टू के ऊपर सांप लोटा हुआ है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। एंड ट्राइंगल l m n, तो ये जो हो गया वो कॉन्ग्रेंसी हो गया। तो उन्होंने बोला था कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बताओ, तो मैंने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यहाँ पे आपको दिखा दिए। तो आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख सकते हैं एंगल एक्स इज इक्वल्स टू एंगल एल, एंगल वाई इज इक्वल्स टू एंगल एम, एंगल जेड इज इक्वल्स टू एंगल एन। देखो ये चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन किसके इक्वल है उसी हिसाब से लिखना होता है। एंड साइड्स भी होगी, एक्स वाई इज इक्वल्स टू एल एम, ठीक है, उसी ऑर्डर में ही लिखेंगे। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, एक्स वाई देखो 4 सेंटीमीटर का है ना, तो यहाँ पे देखो एल एम, एल एम भी देखो 4 सेंटीमीटर का है। अगला क्या होगा, वाई जेड इज इक्वल्स टू एल एन एम एन, तीसरा हो गया एक्स जेड इज इक्वल्स टू एल एन। तो ये जो तरीका होता है वो लिखने का होता है, यहाँ पर हमने जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उसमें तीनों एंगल भी इक्वल हो जाते हैं और तीनों साइड्स भी इक्वल हो जाते हैं, इसे ही कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सीपीसीटी। CPCT की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। ये आपको ये समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैथ्स की वर्कशीट में तो आज इतना ही, आगे चलते हैं हम अपनी साइंस की वर्कशीट की तरफ। तो साइंस की वर्कशीट में आज बहुत ही सिंपल सा टॉपिक दे रखा है जो कि है मोशन के ऊपर। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं मोशन क्या है। When an object changes its position with respect to other thing with time, this is known as motion. जब कोई object, suppose करो यहाँ पर एक कार है
और वो क्या कर रही है, मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और आगे जा रही है, तो उसे कहते हैं वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। तो इन फिजिक्स देर आर टू स्टेट्स, दो स्टेट्स होती हैं बेसिकली। कौन कौन सी? एक होती है स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब हो गया रेस्ट, मतलब रुका हुआ, जैसे कि ट्री हो गया, जो पेड़ होते हैं वो रुके हुए होते हैं, और मूविंग, जैसे कि इंसान, इंसान क्या होता है, आगे चल रहा है तो वो मूविंग हो जाएगा। तो दो स्टेट्स हो गई फिजिक्स में, एक स्टेट स्टेशनरी और दूसरी स्टेट हो गई मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, देखो विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मूव करते हो तो आप जब गाड़ी में जा रहे होते हो या फिर बाइक में या साइकिल पे, राइट साइड और लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको पता चलेगा पेड़ वहीं के वहीं है, आप आगे जा रहे हो। तो मोशन क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट्स होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने दे रखे हैं, पिलर हो गया, बिल्डिंग हो गया। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, मूविंग, कार, एग्जाम्पल, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। जनरली देयर आर थ्री टाइप्स, मोशन जो है वो तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है लीनियर, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, ठीक है ना, सीधा सीधा जाना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा होता है ऑक्सिलेटरी, ऑक्सिलेटरी हो गया पेंडुलम जैसा, तो पेंडुलम इस तरीके से मूव करता है ना, इस तरीके से कि मूव करता ही रहता है ऐसे, तो इसे कहते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन। इसे कहते हैं टू एंड फ्रो, मतलब आगे पीछे होना, आगे पीछे। जब हम किसी तरीके से बैठे होते हैं, आर्म चेयर, एक वो वॉली चेयर होती है ना जिसके अंदर आप आराम से बैठ सकते हैं, वो टू एंड फ्रो आगे पीछे होते रहते हैं, तो उस टाइप के मोशन को कहते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन। नेक्स्ट आता है सर्कुलर, सर्कुलर बहुत ही सिंपल है, आप गोल 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 घूम रहे हैं, ठीक है, कहीं पर आप गोल गोल घूम रहे हैं, कौन सा मोशन होता है ये, जैसे अर्थ का, ठीक है ना, अर्थ का सन के आसपास, ये सन हो गया, तो वो सर्कुलर मोशन हो गया। जब आप एक ही पाथ, बेसिकली एक ही पाथ पे बार बार जाते हैं, तो ये तो सारे के सारे हो गए टाइप्स ऑफ मोशन। आगे बढ़ लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। अ प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल और सब्सटेंस दैट कैन बी क्लासिफाइड मेजरिंग इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हो गया हम कोई चीज को कैसे क्वांटिफाई करें, ठीक है ना, किस तरीके से उसको नंबर्स में मेजर करें। देर आर सेवन बेसिक क्वांटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा है टाइम, चौथा है इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा है टेम्परेचर, छठा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सातवा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इन सात फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर करते हैं। एवरी फिजिकल क्वांटिटी इज रिटन इन टू पार्ट्स, फर्स्ट रिटन इन द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, एंड देन रिटन द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। तो सेकेंड आता है यूनिट, जो 4 मीटर, 4 जो हो गया वो मैग्नीट्यूड हो गया, और मीटर जो हो गया यूनिट हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आ जाता है फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप, फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। स्केलर वो होता है जिसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, मतलब वैल्यू होती है बट डायरेक्शन नहीं होती, वेरस वेक्टर में दोनों चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन हमेशा बढ़ता हुआ दिखाता है ना, तो डायरेक्शन दे रहा है कि वो ऊपर जा रहा है, तो इसी तरीके से वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन स्केलर में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होती। इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जल्दी से उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट इज मोशन? तो हमने मोशन पहले देख लिया था, आगे देख लेते हैं यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर कहाँ पर है। पहले यहाँ से लिखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट से लेकर
ओके वन सेकेंड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट से लेकर ये सेकेंड लाइन तक हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर की तरफ चलते हैं। सेकेंड आंसर है नेम ऑल बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? यहाँ पर हमने पढ़ ली थी सेवन फिजिकल क्वांटिटीज थी। बेसिकली वो क्वांटिटीज पूछ रहा है, प्रॉपर्टीज नहीं। तो ये आपकी सेवन हो गई, तो साथ ही साथ आपको लिखनी है। आंसर नंबर टू हो गया ये। आंसर नंबर थ्री, व्हाट आर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, गिव एग्जांपल। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज आपने यहाँ पर यहाँ से लिख लेंगे। ये आंसर नंबर थ्री हो गया। आंसर नंबर फाइव, राइट फाइव एग्जाम्पल ऑफ ईच मूविंग एज वेल एज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर सराउंडिंग। तो यहाँ पर कुछ तो एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रखे थे मूविंग के लिए और स्टेशनरी के लिए, ट्री, पिलर, बिल्डिंग, ठीक है ये हो गए आपके। और आप दो तीन और तीन यहाँ पे दे रखे हैं, दो और आप लिख सकते हैं। देखो ट्री, पिलर, बिल्डिंग है, आप खुद सोचो क्या हो सकता है। वॉल्स हो सकती हैं आपके आसपास और आपके सामने, आप स्कूल जाते हो गए, ब्लैक बोर्ड हो गया, चेयर हो गई, ये सारी की सारी क्या हो गई, स्टेशनरी। और मूविंग में क्या हो गया, वॉकिंग, मूविंग कार, बस इस तरीके से आपके सारे के सारे ये मोशन हो गए, या फिर अर्थ। तो ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल हो चुके हैं। अब आप अपनी